दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी में लीप ईयर यानी अधिवर्ष के लिए एक्सेल में फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे एक बार इस फॉर्मूले को देख लें। यहाँ पर वर्ष डालेंगे यानी जो भी ईयर आपने डालना, जैसे मैंने 2024 कर दिया, तो 2024 अधिवर्ष यानी लीप ईयर है। इसके ठीक आगे भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। अब जैसे हम करते हैं 2022, तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी में आ रहा है 2022 अधिवर्ष लीप ईयर नहीं है। तो दोस्तों जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई किया गया है और यहाँ की आउटपुट जो है यहाँ पर दिखाई गई है बड़े बड़े अक्षरों में। इसको किस प्रकार किया गया, एक नई शीट पे हम बिल्कुल सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हमने एक्सेल की नई शीट ली और यहाँ पर आपने इस सेल को बड़ा किया, दूसरे सेल को भी काफी बड़ा कर दिया और पहले चार सेल्स को सिलेक्ट करके आपने फॉन्ट में जाना है और कृति देव 010 सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके सिस्टम में कृति देव फॉन्ट नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। इसी चैनल में बहुत से वीडियो इसके बारे में बने, आप वहां से कृति देव फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अप्लाई करते हैं सीख लें। अब यहां पर आपने टाइप करना है अब यहां पर आप ईयर डालेंगे जैसे 2020 और इसका फॉन्ट भी हम बड़ा कर लेंगे और यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे। इससे पहले इसको हम कलर दे देते हैं और इस पूरे को सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा देते हैं। दोस्तों लीप ईयर के लिए हम यहां पर अब फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले के शुरुआत हम इक्वल टू से करते हैं। अब हिंदी फॉन्ट हमने लिया तो ये आपको तरह दिखेगा। आप क्या करें, आप फॉर्मूला बार पे क्लिक कर दें और यहां पर आपने जो फॉर्मूला लिखना है वो इस प्रकार से है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप एंटर कर दें और यस कर दें। अब आप देखिए आंसर आ रहा है 2036 लीप ईयर है। अब 1700 देखिए दोस्तों लीप ईयर नहीं है। दोस्तों आइए इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूला हमारा लीप ईयर के लिए है जो हमने एक्सेल में इंटर किया है। इसको आप स्टेप बाय समझ लीजिए। यहां पर यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है वो लीप ईयर है या नहीं है ये पता करने के लिए है। और यहां से आगे जो है ये आउटपुट है, अगर इस पूरे आर्गुमेंट का जो रिजल्ट है ट्रू आता है तो ये वाला हिस्सा रन होता है, और अगर पहले हिस्से से रिजल्ट जो है फॉल्स आता है तो ये वाला हिस्सा रन होता है। ये आउटपुट्स हैं दो। इनको कैसे बनाया गया, ये बहुत आसान है। इनकी जगह आप सीधे लीप ईयर और नॉट लीप ईयर भी लिख सकते हैं अगर आप अंग्रेजी में चाहते हैं। यहां पर हिंदी में हम चाहते थे तो इसलिए हमने क्या किया, हिंदी की टेक्स्ट वहीं से ली है। कहाँ से ली है, हमने यहीं से ली है। इस सेल से हमने हिंदी की टेक्स्ट ली है, यहीं से हमने अक्षर निकाले हैं, शब्द निकाले हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ा। अभी सबसे पहले आप पहले हिस्से को समझ लीजिए। पहले हिस्से को समझने के लिए आपको ध्यान रखना है इफ फंक्शन कैसे काम करता है, और फंक्शन कैसे काम करता है, एंड फंक्शन कैसे काम करता है। यहां तक हमने एंड फंक्शन का यूज किया है। एंड फंक्शन का अर्थ है कि जो A2 में यानी जो वर्ष है, A2 यानी यहां पे जो 1700 लिखा है उसको 4 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वो अगर 0 हो जाता है, और इसी 1700 को 100 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 नहीं आना चाहिए तो यह लीप ईयर होगा। ये एंड का कंडीशन है, इसमें से ट्रू आएगा। साथ में अगर ऐसा नहीं है तो 400 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 0 आता है तो भी लीप ईयर है। तो दो बेसिक दो कंडीशन है, और के द्वारा। पहली कंडीशन जो है यानी और के द्वारा हमारी यहां से लेकर के यहां तक जो है पहली कंडीशन है,
और यहां से लेकर के यहां तक दूसरी कंडीशन है। इनमें से फर्स्ट वाली ट्रू हो जाती है तो भी लीप ईयर बनेगा, अगर ये ट्रू हो जाती है तो भी लीप ईयर बनेगा। दोनों ही फॉल्स हो जाए, ये भी फॉल्स हो जाए, ये भी फॉल्स हो जाए, तो जाकर के लीप ईयर नहीं बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें कि जो पहला हमारा 4 से डिवीजन होगा और जो 100 से डिवीजन होगा नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, यानी टू कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ये लीप ईयर है, या फिर 400 से भी विभाजित हो जाता है तो भी लीप ईयर है। बिल्कुल आसान है, आप इस फॉर्मूले को एक बार इस तरह से टाइप करके रन करके टेस्ट कर लीजिए, फिर आप मोड फंक्शन को अलग से समझें, एंड को अलग से समझें, और को अलग से समझें, और इफ को अगर आप समझते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं दोस्तों। और अब आउटपुट की बात करते हैं, तो आउटपुट में हमने जो किया था, यहां पर देखिए यहां लिखा रहता है अधिवर्ष लीप ईयर है या नहीं है, तो हिंदी के टेक्स्ट हमारे सामने इसके ठीक ऊपर है, तो अधिवर्ष लीप ईयर है, यहां तक हमारा पहला आउटपुट बनती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसी में से इसे निकालने के लिए A2 यानी जो 1700 यहाँ नंबर डालेंगे, जो भी ईयर डालेंगे वो इधर आ जाएगा, A2 वो A2 में वो आ जाएगा। उसके बाद एंड जो है इसको जोड़ने के लिए आगे की टेक्स्ट, फिर लेफ्ट फंक्शन हमने लिया, लेफ्ट फंक्शन जो है लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को लेता है, इस सेल से हम लेफ्ट साइड से लेंगे, कितने लेंगे 23 तक लेंगे, यानी है तक लेंगे, तो 1700 लीप वर्ष है। अगर ट्रू कंडीशन होता है तो यहां तक आएगा, फिर उसके बाद हमने कॉमा लगाया और फिर 1700 को A2 को लिया और लेफ्ट में से हमने अधिवर्ष लीप ईयर के ब्रैकेट तक लिया, और उसके बाद राइट साइड से हमने नहीं है को लिया, और इस प्रकार से क्या होगा, इसी टेक्स्ट में से ये हमारे आउटपुट निकालेगा। इसके लिए हमने लेफ्ट और राइट फंक्शन यूज किए। आप अंग्रेजी में देना चाहें तो सीधे आप लिख सकते हैं, आपको फॉन्ट इंग्लिश का लेना है और आप लीप ईयर है, यानी आप लिख सकते हैं दिस इज लीप ईयर, दिस इज नॉट लीप ईयर। दोस्तों अब 2020 आप कर लीजिए, आप टेस्ट कर लीजिए लीप ईयर है या नहीं है। इसके बाद है नीचे बड़े अक्षरों में कैसे आएगा, तो उसके लिए इंसर्ट में गए, यहाँ पर आपने टेक्स्ट बॉक्स में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स में आपने बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है जितना आप चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आकर के आपने फॉर्मूला बार में आना है, इक्वल टू कर देना है, और जिस सेल का एड्रेस देंगे वो इस पे आ जाएगा। अब इसका फॉन्ट आपने कृति देव ले लेना है, और फॉन्ट का साइज आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, मैंने 105 कर दिया, और इसको सेंटर कर दें इस प्रकार से, टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा छोटा करके बीच में रख लें ताकि पूरी टेक्स्ट आपको दिखे, बोल्ड कर दें। अब आप ईयर डाल के देखिए 1918, तो 1918 अधिवर्ष नहीं है। 2050 अधिवर्ष नहीं है। 2036 लीप ईयर है। इस प्रकार से आसानी से आप बड़े शब्दों में भी आउटपुट को शो कर सकते हैं और फॉर्मूला आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्मूले को समझने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना प्रश्न लिखें, आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।